क्या फीड रैंडी ओटन की टांगे पकड़कर उसे खींचकर अपनी गुफा में ले जाएगा? ओटिस की नोटंकी बाजी भी देखने को मिलेगी रॉयल रंबल में। बेटे 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 मौज कर दी। 2021 के 30 मैन रॉयल रंबल में कौन से सुपरस्टार? WWE ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए हैं बैटिंग ओड्स के हिसाब से कौन जीतेगा 30 मैन रॉयल रंबल। लेकिन मेरे हिसाब से किसको जीतना चाहिए 30 मैन रॉयल रंबल मैच जो पूरे साल ड्रू मैकइंटायर की तरह धूम मचा दे? रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवंस में से कौन जीतेगा मैच? इसके अलावा कौन सा बड़ा सुपरस्टार कर सकता है रॉयल रंबल में अपना रिटर्न? ये सब आपको पता चलेगा आज की वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल पंडित और आज की वीडियो काफी तगड़ी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरे फेवरेट PPV में से एक रॉयल रंबल के बारे में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हम करते हैं द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवंस फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के बारे में जो कि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होने वाला है। दोस्तों, केविन ओवंस का कहना है कि वो इस बार हाथ से मौका नहीं छोड़ेंगे, वो कैसे भी करके रोमन रेंस को हरा देंगे और बन जाएंगे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा? दोस्तों, मुझे नहीं लगता केविन ओवंस रोमन रेंस को हरा देंगे क्योंकि अगर रोमन रेंस को हरवाना होता तो WWE सर्वाइवर सीरीज में ड्रू मैकइंटायर से रोमन रेंस को हरवा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि WWE रोमन रेंस को काफी तगड़े सुपरस्टार के रूप में दिखाना चाहती है जो रेसलमेनिया में काफी तगड़ा मैच दे सके और मेन इवेंट कर सके। तो ऐसे में रोमन रेंस को केविन ओवंस से हरवाना कुछ अटपटा सा लगता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इस मैच में जीत होगी द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस की। दोस्तों, अगर हम बात करें 30 मैन रॉयल रंबल की तो इस मैच के लिए WWE ने जो सुपरस्टार डिक्लेयर किए हैं वो है रैंडी ओटन, एजे स्टाइल, बिग ई, डैनियल ब्रायन, सीमस, जेफ हार्डी, बॉबी लेस्ली, जे उसो, सिजारो, द मिज, जॉन मोर्सन, ओटिस, सैमी जैन, सिंसुके नाकामुरा, डोव जिगलर और मुस्तफा अली। दोस्तों, ये सुपरस्टार हमें 30 मैन रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें रिटर्न की तो मेरे हिसाब से ब्रॉन स्ट्रोमैन, एलिस्टर ब्लैक, द फीड ब्रे वाइट और सेथ रोलिंस का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रॉन स्ट्रोमैन, एलिस्टर ब्लैक और सेथ रोलिंस काफी टाइम से गायब है तो उनका रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, रैंडी ओटन रॉयल रंबल में है और फीड का रिटर्न ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इतिहास गवाह है, आप केन वर्सेज अंडरटेकर की राइवलरी देख सकते हैं। केन रॉयल रंबल में होता है, अंडरटेकर की एंट्रेंस बजती है और केन घबरा जाता है और एलिमिनेट हो जाता है। सेम यही चीज हमें रैंडी ओटन के साथ देखने को मिल सकती है, फीड की एंट्रेंस बजेगी, रैंडी ओटन घबरा जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अंधेरा होगा, फीड रिंग के नीचे से निकलेगा, रैंडी ओटन की टांगे पकड़कर उसे एलिमिनेट करके रिंग के नीचे ले जाएगा भूतिया स्टाइल में। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें बड़े रिटर्न की तो एज का नाम ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, मेरे हिसाब से ब्रोक लेजनर, द रॉक और सीएम पंक में से किसी का रिटर्न हो जाए तो तहलका मच जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें 30 मैन रॉयल रंबल के मैच के विनर की तो बैटिंग ओड्स के हिसाब से डैनियल ब्रायन का नाम टॉप पर है। जी हाँ दोस्तों, बैटिंग ओड्स के हिसाब से डैनियल ब्रायन के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद कीथ ली, फिर एज, ब्रोक लेजनर और उसके बाद बिग ई। लेकिन दोस्तों, अगर आप मुझसे कहोगे कि राहुल भाई तू बता तेरे हिसाब से किसको जीतना चाहिए, तो दोस्तों मेरे हिसाब से सीमस एक ऐसा सुपरस्टार है रॉ ब्रांड के अंदर जो वाकई में ड्रू मैकइंटायर की तरह पूरे साल तहलका मचा सकता है क्योंकि सीमस वाकई में काफ़ी तगड़ा सुपरस्टार है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, सीमस वर्सेज ड्रू मैकइंटायर, सीमस वर्सेज ब्रॉन स्ट्रोमैन, सीमस वर्सेज रैंडी ओटन, सीमस वर्सेज फीड ब्रे वाइट, काफ़ी सारे तगड़े मैचेस हमें देखने को मिल सकते हैं पूरे साल अगर WWE सीमस को रॉयल रंबल जितवाकर एक तगड़ा फेस सुपरस्टार बनाए तो। इसके अलावा दोस्तों, द रेटेड आर सुपरस्टार एज, ब्रोक लेसनर, द रॉक और सीएम पंक रॉयल रंबल जीते तो रेसलमेनिया में काफी तगड़ा मेन इवेंट दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है क्योंकि बैटिंग ओड्स के हिसाब से सबसे ऊपर जो नाम है वो है डैनियल ब्रायन का। इसके अलावा दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से किसको जीतना चाहिए वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, गोल्डबर्ग वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।